आइए हम एक्सरसाइज 3.1 करें। इसमें जो क्वेश्चन 1 है तो इसमें कुछ खास वैसा है नहीं, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है जिसके एलिमेंट यानी कि अगर हम 2 5 ऐसे दिया हुआ है, इसका अगर आव्यूह की कोटि बताइए यानी कि ऑर्डर, तो सिंपल है। इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 तीन रो है तो उसको पहले लिखते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 यानी कि 4 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो 3x4 ऑर्डर का। अवयव की संख्या जो होगा, अवयव की संख्या होता है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसमें 12 एलिमेंट होंगे। बहुत आसान है। यहाँ पे अब पूछ रहा है कि A13 बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखें, आप बुक में देख सकते हैं, सभी के पास बुक होनी चाहिए। A13 यानी कि A13 का मतलब है कि 1 यानी कि फर्स्ट रो, और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी कि 19। ये जो है यहाँ पे हो जाएगा 19। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि यहाँ से होगा 35। उसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। इसमें अगर 4 और 5 बता देंगे तो इसमें आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, कि दिया है कि 1 2x2 आव्यूह जो इस तरह से लिखा गया कि AAIG की रचना कीजिए। हमें मैट्रिक्स बनाना है। अभी तक तो मैट्रिक्स दिया रहता था, लेकिन अब हमें मैट्रिक्स स्वयं से बनाना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं यानी कि निम्नलिखित प्रकार से दिए हुए हैं। तो आइए हम जो मैट्रिक्स ए है उसको AIJ, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हुए हैं AIJ, जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें AIJ हमें दिया हुआ है। देखें यहाँ पे जो AIJ दिया हुआ है कि i+j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है AIJ इज इक्वल टू i/j। तो हम देखिए इसी की हेल्प से, अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट अगर लिखें तो A11 A12, इस सेकेंड रो सेकेंड का फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 और A22, यानी कि हमें अगर किसी तरह से A11 A12 A21 और A22 निकालना था। A11 का मतलब हुआ कि i की वैल्यू 1। यहाँ पे ध्यान से देखें AIJ जो डिफाइन किया है, तो A11 करेंगे मतलब i की जगह 1 और j की जगह 1। A11 इसी फार्मूले में, यहाँ जहाँ पे i है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ पे j है वहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह आप A12 निकालेंगे। A12 यानी कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, ठीक है। A12 यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे तो 1, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू जो है 2, तो यहाँ पे 1 + 2 इस तरह से 9/2। उसी तरह से A21 यानी कि इस बार i की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, यानी कि पहले जो लिखा जाता है वो आई होता है और दूसरे स्थान पर जो लिखा जाता है जे होता है। बार बार हम बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, जे की वैल्यू 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A22 यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर है 2 + 2, 4 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। इस तरह जो जो मैट्रिक्स ए है हमने तैयार कर दिया, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 9/2, A22, इस तरह से मैट्रिक्स ये हमारा तैयार हो गया। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, इसको कर लीजिएगा। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन इसके कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में ज़रूर आ जाता है। इस एक्सरसाइज में यही सब पढ़ना है, बहुत आसान है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो AIJ जो डिफाइन किया गया, IYJ यानी कि ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही हमें बनाना है। AI जो डिफाइन किया गया IYJ यानी कि A इज इक्वल टू, फिर से हमें A11 A12 A21 A2, तो यहाँ पे A11 यानी कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, 1/1 1।
ए वन टू, आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू, तो 1/2। इसी तरह से हम लोग सारे एलिमेंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स जो है हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉड आ गया है, तो इसमें यूपी बोर्ड के बच्चे जो है मॉड का कॉन्सेप्ट उतना अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, इसमें मुझे तैयार करना है वो 3x3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार करना है, जिसके जो एलिमेंट है ए आई जे वो इस तरह से हैं कि 1/2 मॉड। यहाँ पे हम बताएंगे कि मॉड अगर लिख दिया जाए तो ये जो सिंबल है ये मॉड का सिंबल है, और अगर इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर दिया जाए तो मॉड अगर लगा तो हमेशा उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी कि अगर जो है पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव तो देगा ही, लेकिन नेगेटिव नंबर को भी जो मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो मॉड अगर कहीं पे लगा है तो अगर उसके अंदर सॉल्व करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन जब उसको मॉड को हटाएंगे तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो मॉड का जो यही काम है कि नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देना। तो अगर क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, आप बुक में देख लीजिएगा, हम सॉल्यूशन इसका बताते हैं कि ए आई जे 1/2 मॉड -3i+j। इसका 3x4 ऑर्डर का हमें, यानी कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम, उसके एलिमेंट ए सी होने चाहिए, a11, a12, a13 और a14। a21 यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 रो और यहाँ पे c1, c2, c3 और c4 4 कॉलम हैं और 3 रो हैं, r1, r2, r3। सबसे पहला जो एलिमेंट निकालेंगे a11, यानी कि a11 का मतलब हुआ कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। इसी में हम जो है जहाँ i है वहाँ 1 रख देंगे और जहाँ j है वहाँ भी 1 रख देंगे। तो अगर 1/2 बाहर है, ये मॉड लगा हुआ है, तो -3 × 1 ये जो i की वैल्यू और j की वैल्यू 1, तो 1/2 मॉड -3+1, -3+1 -2 होगा, 1/2 तो बाहर लगा ही रहेगा। देखिए यहीं पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड -2 आया है, क्योंकि मॉड लगे होने के कारण जो है इसको पॉजिटिव कर लेगा, तो 2/2 इसका 2 पॉइंट। यहाँ पे हमने दिखाया कि -2 अगर मॉड में है तो 2 आएगी वैल्यू। सिमिलर a12, यानी कि इस बार जो है i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 है, a12 यानी कि ये वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो 1/2 मॉड 3 × 1, जे की वैल्यू जो 2 है, तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे फिर -1 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव कर देगा, तो 1/2। सिमिलर वे में अगर a13 निकालें, यानी कि इस बार जो है फिर से i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 है, तो 1/2 -3 × 1+3, यहाँ पे ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो -3 × 1 -3+3 0, 0/2 0। a13 इसी तरह निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो इस तरह से हम सारे के सारे एलिमेंट आपको निकालना है, a21 a22 a, आई और जे की वैल्यू रखते हुए, और इसमें सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए को दिखा दिया कि फर्स्ट रो का पूरा एलिमेंट निकाल दिए, ये चीज़ आ रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ और यहाँ सारे एलिमेंट निकाल के लिख देने हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ था इस क्वेश्चन में कि जो मॉड है, मॉड के बारे में जो बच्चों को आप लोगों को परेशानी होती है, तो मॉड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके इस चैप्टर में जो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए, इस सारे क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए गए हैं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, यहाँ पे भी तो सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी लग जाएगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 3.1 जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जो है करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच।